तो अब हम जा रहे हैं गांव की तरफ। बंद ने अब गजो कोई न तुम कहना आया वहाँ मामू में बरात में इधर न हगनु गज के तो दगड़ियों अभी हम खोपचे में आ रखे हैं तीनों भाई लोग। मम्मी को अभी नहीं बता रखा है तो हम तीनों अंग्रेजी हैं। मैं हूँ कॉटन ले गया हल्का फुल्का लगा लेते हैं। देखो ठंडा मौसम हो रखा है दोस्तों। गणवा पहले एक हद खींच उड़ी दगड़ियों। इस कुत्ते का नाम है भुट्टू और उसका नाम है पंचोला। तो दोस्तों आज मैं आपको अपने ज़माने की LED लाइट दिखाऊंगा दगड़ियों। जब हम छोटे बच्चे थे तब उसमें पढ़ा करते थे। आज कई सालों के बाद मेरे को टेबल लैंप देखने का मौका मिल रहा है। आपको भी दिखाता हूँ। कक्षा 5 तक हमने वो छोटी वाली लैंप में पढ़ रखा है दोस्तों। उसके बाद पापा का प्रमोशन हो गया था तो वो उसकी खुशी में हमारे लिए टेबल लैंप ले गया तो इसमें भी हमने पढ़ा है। शायद हाई स्कूल तक मैंने टेबल लैंप में पढ़ा है। उसके बाद हमारे घर में लाइट आई दगड़ियों। इस टेबल लैंप के साथ बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। रोज शाम को इसकी चिमनी साफ क्या करते थे। चिमनी फूटना मतलब उसमें ईजा बोझू के आसे तुम्हारा बरमान फूटने के बराबर होता है दोस्तों। बहुत ही लग्जरी होती थी उस टाइम में। ये चिमनी अब कहाँ मिल रही है दोस्तों। ये धरोहर बन जाएगी एक टाइम पे। जो लड़की घर के काम के साथ साथ ये बर्फी और मोर बना लेती थी वो तो सबसे अच्छी लड़की मानी जाती थी दोस्तों। तो आपने देखा होगा जो पहले की शादियां होती थी तो उसमें लड़कियां अपने साथ अपने हाथ का बनाया हुआ मेज पोस लेके आती थी। TV के ऊपर मैं रखने वाला कवर लेके आती थी अपने हाथ का बनाया। और ये बर्फी, ये शीशे अपने आप में विंटेज लुक दे रहे हैं कमरे को। तो अभी हम गांव के घर घर में जाके मुलाकात कर रहे हैं। कई सालों के बाद आए हैं तो सभी गांव वालों से मिलना हुआ दगड़ियों। ये सोलर कुकर है दोस्तों। जब हम 9th या 10th में पढ़ते थे दोस्तों उस समय सोलर कुकर या फिर बायोगैस इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता था। ऐसी अंग्रेजी में होता था दोस्तों। अंग्रेजी में कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आते ही आते थे। जैसे पोस्टमैन पे निबंध लिखना जरूर आएगा। ये होता है बचपन। बारिश लगी हुई है कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो एक बार फिर से 1 2 3 1 2 3 कुट्टू कुट्टू। यहाँ के गांव वाले कितने दयालु हैं दगड़ियों। इंसानों पे दया भाव तो रखते ही हैं, लूट पे भी दया भाव दिखा रहे हैं। देखो लूट को जान हो जाएगा करके कट्टा उड़ा रखा है दगड़ियों। अब हम पहुंच चुके हैं चौसाला वाली ताई जी के घर में। मेरी मम्मी का मैथ और उनका मैथ एक ही गांव में। सला को जीते रहना। क्या नाम है आपका? जय। अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पहले तोड़ दूंगा। ये है हमारी ताई जी का घर। क्रीम पाउडर मेरी निर्मला तू हंसनी की नैना। मेरी निर्मला तू हंसनी की नैना। सब नस गई ओनी की नैना। वो सब नस गई तू ली नसी जा रोज कच कचानी करा तू। वाह। इसके पिताजी भी गायक कलाकार हैं, ठीक है। और उनकी जब कैसेट चला करती थी दोस्तों तो एक चक्का जाम नाम से कैसेट भी निकली थी। तो अभी इनके पिताजी नासिक में जॉब करते हैं दोस्तों। और बहुत ही अच्छी आवाज उनकी थी तो बचपन में हम उनके भी गाने सुना करते थे। ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बैठो मां। शाबाश। छम छम पायल घुमुर बदने तेरे खुटमा। लाल तेरे कंगन हाथों में चूड़ी चनारा। लाल तेरे कंगन हाथों में चूड़ी चनारा।
तेरा, अरे चुंदरी तेरी, हाय हाय चुंदरी तेरी, चमकनी गुलाबी सरासा। मम्मी का बल मानता है पापा का? पापा को क्यों मानता है? अच्छा पापा ने मेरे के साइकिल खरीदी और खाने की चीज दिलाते हैं। अब मम्मी को नहीं मानते हो? मम्मी को भी थोड़ा थोड़ा मानते हैं। मम्मी को अच्छा क्यों नहीं मानते हो उतना? क्यों नहीं मानते हो? अच्छा मम्मी ऐसा कहती है साइकिल मत लेना। क्या लेना बोलती है? क्या लेना बोलती है? कुछ नहीं, खाली छोटे खिलौने। अच्छा। हेलो गाइस, आज हमारे घर में कौन? पहाड़ी जी आ रखे हैं। तो हम खुश हैं। कितने खुश है? बहुत ज्यादा। आपका नाम क्या है बेटा? नितिन कन्याल। और आपका? वंशिका। और आपका? विनीत। विनीत। और एक दीदी और थी, कहाँ है? और ये हमारी नानी है दोस्तों, कितनी प्यारी है। आहा। और ये है नाना जी, इंडियन आर्मी से रिटायर हैं, सूबेदार पद से दगड़ियों। तो दोस्तों फाइनली हमारी यात्रा समापन की ओर है और बहुत अच्छा सफर रहा अपने गणु भाई के साथ। बहुत ही अच्छे पायलट हैं, पीने खाने वाले नहीं हैं दोस्तों, हंसी मजाक तो हमारा चलता रहता है। और अपने सहपाठी मित्र भी हैं, तो ये हल्द्वानी लाइन में भी चलते हैं और लोकल में यहाँ पाकू पिथौरागढ़ डेली सर्विस है इनकी, तो आप भी इनकी सेवाएं ले सकते हैं। जब कभी भी आपको लोकल में यहाँ पिथौरागढ़ डीढ़ियाहाट मुनस्यारी साइड को जाना हो तो इनसे आप जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा, आपका सफर बहुत ही शानदार बीतेगा दगड़ियों। तो दोस्तों पिट्ठा तो बहुत तगड़ा लगा रखा है इन लोगों ने, लंबा, पता नहीं लिफाफा लंबा लगाया नहीं लगाया, वो तो घर जाके अनबॉक्सिंग करूंगा। जैसे ही मम्मी पहला कह रही थी आशीर्वाद स्वरूप कुटरा निकल रहा था दगड़ियों। एक ताजी सबसे पहले लौकी दे रखी है दोस्तों, फिर खाओ। इतने सारे कुटरे मुटरे आ रखे हैं, 25 किलो तो काले भट्टी लेके आए हैं दोस्त, और 5 किलो चावल का आटा लेके आई है। तो मतलब लोग तो कमेंट करते हैं तुम दोनों ही मियां बीबी घूम रहे हो, अपने माँ बाप को क्यों? उनको क्या कहना चाहोगे आप? अब वो भी सोते होंगे कि माँ बाप इस तरह छोड़ के हैं, ऐसा हाँ। कुछ मत सोचिए आप। हमारी भी वो आएगी, जब टाइम आएगा हम भी घूमेंगे, ऐसा लड़का नहीं है हमारा। तो दोस्तों मैं तो आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, हम भी चाहते हैं कि हमारे माँ बाप घूमे, हम जो नहीं चाहते होंगे क्या, लेकिन क्या है कि वही है जिनके माँ बाप घर में होंगे और जिनके बच्चे बाहर होंगे और उनसे बोलते होंगे हमारे वहाँ आ जाओ या बाहर घूमने चलते हैं, तो जो उनका कारण होता है वही मेरे माँ बाप का भी कारण है, क्योंकि माँ बाप तो सबके सेम ही होते हैं, खासकर वो जो पहाड़ में रह रहे हैं। ठीक है, अब जिनके माँ बाप पहली बाहर को निकल गए या अपने पति के साथ पहले से ही बाहर को रह रहे हैं तो उन्हें तो घूमने का शौक होता ही है। ठीक है, जैसे मेरे ताई जी लोगों को बहुत शौक है घूमने का, हल्द्वानी वाले मौसी लोगों को शौक है, और मम्मी मेरी जन्म भर यहीं रही पहाड़ में तो इसको इतना नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इसको जैसे आज जबरदस्ती करके ले गया, ऐसी बात बार बार ले जाते रहूंगा दोस्तों, आप फिक्र मत करो, बस आप ऐसी कमेंट मारते रहो ताकि मेरे अंदर ये भावना रहे कि हाँ ले जाना ही है। एक नानी ने हमको गाय का घी दे रखा है, खीर पकाने वाले चावल भी दे रखे हैं दोस्तों, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक आम है, ये धीरज भाई के घर से आया है नींबू का मुरब्बा। तो दोस्तों ये मांस के गुदों को देख के मुझे एक पहाड़ी पहेली याद आ रही है, नन्न बामन ढंग में चाननी। यही हुआ, ये मांस के गुद में पीला पीला सा एक धब्बा जैसा लगा रहता है, ठीक है, तो इसलिए वो पहेली निकल के आई, नन्न बामन ढंग में चाननी। कैसा लगा आपको मेरा माकोट्टी ब्लॉग, कमेंट करके जरूर बताना। बहुत जल्द एक नई ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, घर के अंदर रहिए वरना जुग लग जाएंगे। Thank you for watching so much. Love you all. Bye-bye.